तो फर्स्ट आई ट्राइड द हेयर केयर एंड देन आई लव्ड इट सो मच कि मैंने सोचा कि चलो स्किन केयर भी ट्राई करते हैं और अभी विंटर्स वगैरह चल रहे हैं ना तो मॉइस्चराइजर लगता ही है हेलो माय लवली एंजल्स वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटीफुल लाइफस्टाइल फ्रेंड्स आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ ब्रिलर के प्रोडक्ट्स के बारे में सो so ब्रेलैर के मेरे पास बहुत सारे शैम्पूस हैं तीन वेरियंट्स मैंने ट्राई किए हैं फ्रॉम फ्रॉस्मिटिन और मैंने एक स्किन केयर प्रोडक्ट भी लिया था रिसेंटली ही आप लोगों के साथ शेयर किया था तो आज की वीडियो में ना इन शैम्पूज का रिव्यू करने वाली हूँ बेसिकली मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि मैम ब्रिलेर के जो शैम्पू आप बता रहे हो आपके वीडियोज़ में उनका रिव्यू आप प्लीज़ लेकर आओ तो आज के वीडियो में कम्प्लीट हम ब्रिलर के प्रोडक्ट्स के बारे में ही बात करने वाले हैं सो लेट एस क्विकली गेट स्टार्टेड शुरू से आपको बताती हूँ सबसे पहला जो प्रोडक्ट मैंने ब्रिलेयर ब्रांड का लिया था वो है ये शैम्पू ब्रिलेयर का हैवी मॉइस्चराइजिंग शैम्पू और ये वाला ना मैंने टॉप फोर प्रोडक्ट्स जो शैम्पूज़ हैं ड्राई बालों के लिए जो मैं रिकमेंड करती हूँ उसके वीडियो में भी मैंने आपके साथ इसका शेयर किया था तो ये लंबे टाइम से मेरे साथ है तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट मैंने ब्रिलेयर का लिया था वो यही है हैवी मॉइस्चराइजिंग शैम्पू एंड इसके जो इन्ग्रीडियंट्स हैं ना काफ़ी अच्छे हैं तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई है या फ्रीजी है ना तो आप ये वाला शैम्पू डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो फ्रेंड्स बिकॉज मेरे बाल बहुत ड्राई है शैम्पू करने के बाद एक ही दिन में या दो दिन में ड्राई हो जाते हैं फ्रिजी हो जाते हैं बट वंस आई स्टार्टेड यूजिंग दिसंपू ना ये नहीं हो रहा है तीन से चार दिन मेरे बाल बहुत ही uh, like. बड़ी बॉटल में लिया था इसकी जो क्वान्टिटी है आपको मिलती है थ्री हंड्रेड एम एल और मैंने इस मिटन के रेफ्रॉइंट में से लिया था बॉटल है ना इसकी एम आर पी अगर मैं देखू ना तो इसकी एम आर पी है फोर नाइनटी फाइव रुपीज और एमेजोन पे कितने में है तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे दूंगी आपको तो ऑनलाइन साइज पे इसको डेफिनेटली आपको एमआरपी से कम में ही मिलती

और यहाँ पे मेंशन भी है इट इज फॉर ड्राई हेयर एंड स्कैल्प फ्रेंड्स आप यहाँ पे नीचे देखोगे ना तो उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि ये शैम्पू फ्री है पैरोबी से फॉर्मल मिनरल ऑयल पेट्रोलियम वैक्स आर्टिफिशियल कलर से ये फ्री है कंप्लीटली ये प्रोडक्ट एंड ये क्रूएल्टी फ्री प्रोडक्ट भी है फ्रेंड्स तो so, ये मेड इन इंडिया ब्रांड है एंड इट इज क्रूएल्टी फ्री वेगन ऑल्सो सो दैट इज वाई आई लाइक इट पैकेजिंग बहुत ही स्लीक एंड अमेजिंग है थ्री हंड्रेड एम एल की स्लीक पैकेजिंग में आता है यहां पे आपको इस तरह से टिकटैक का बटन मिलता है जहां से आप शैम्पू को निकालो एंड लेट मी टेल यू फ्रेंड्स अगर आपने बालों में ऑयलिंग

छोटे वाले में लिया है हैवी मॉइस्चराइजिंग शैंपू आप देख सकते हो सो so स्मिटन पे ही मुझे दिखा ना थ्री हंड्रेड एम वाले पैकेजिंग में नहीं मैंने ये 150 फिफ्टी की पैकेजिंग में लिया क्योंकि कभी ट्रैवलिंग करना होता है तो छोटी बॉटल ईजी होती है तो ये वन फिफ्टी की अगर आप लोगे तो इसकी प्राइस है टू फिफ्टी और इसकी मैं ना आपको शेल्फ लाइफ बता दू तीन साल आपको शेल्फ लाइफ मिल जाती है इस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए सो आई हैव इट इन अ बिगर वन ऑल्सो हैव इट इन द स्मॉलर वन ऑल्सो अब फ्रेंड्स बात so करते ये... हैं ब्रिलर के दूसरे वेरियंट के बारे में जो मैंने लिया शैम्पू का वो है डेंड्रफ कंट्रोल शैम्पू और ये भी मैंने 300 ml की क्वांटिटी में ही लिया है अगेन फ्रॉम स्मिथन एंड ये अभी रिसेंटली ही स्टार्ट किए हैं मेरे घर में यूज़ करने के लिए तो इसके बारे में भी आपको बता देती हूँ तो अगेन द सेम पैकेजिंग ओके एंड इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है विंटर ग्रीन ब्लैक पेपर एंड इंगा एल्बा फॉर इची फ्लेकी स्केल्प सो ना ये जो डैंड्रव कंट्रोल शैम्पू है ना ये अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा फ्लेकीनेस है इचीनेस है और आपका जो स्केल्प है ड्राई भी है ऑयली स्केल्प के लिए भी वर्क करता है ड्राई इंची स्केल्प के लिए भी वर्क करता है ये मैंने देखा है सो देट इज़ द थिंग इफ यू आर फेसिंग आप ये वाला शैम्पू डेफिनेटली ले सकते हो अगेन ये जो डैंड्रव कंट्रोल शैम्पू है ना फ्रेंड्स ये जब आप यूज़ करते हो ना मोस्टली देखा गया है कि डैंड्रफ कंट्रोल जो शैम्पूज़ होते हैं वो अपने बालों को ड्राई करते हैं बट ये सिर्फ आपके डैंड्रफ पे वर्क करता है आपके जो एंडस हैं उसे बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करता है तो दैट इज वॉट आई रियली लाइक इसकी जो फ्रेगरेंस है बहुत ही अच्छी है एंड हैवी मॉइस्चराइजिंग शैम्पू की भी फ्रेगरेंस बहुत ही अच्छी है एक माइल्ड ब्यूटीफुल फ्रेगरेंस आपके बालों में आती रहती है इवन विद दिस द इन्ग्रीडियंट्स आर रियली वेरी अमेजिंग सो बहुत ही अच्छे से वर्क करता है अगैन इट इज़ फ्री ऑफ एवरी थिंग सो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वो शैम्पू के बारे में एक्जैक्टली exactly इस पर भी लागू होता है एंड इसकी भी प्राइस फो नाइंटी फाइव रुपीज़ ही है सो so, वेरियंट सिर्फ डिफरेंट है एवरीथिंग एल्स इज एक्जैक्टली सेम तो अभी तो रिसेंटली ही स्टार्ट किया है दे आर सीइंग द रिजल्ट इट इज़ रियली वर्किंग ग्रेड और मैं डेफिनेटली अगर स्मिटन से परचेस करना अगर मुझे ऑप्शन मिलता है तो ये वाला भी मैं डेफ़िनेटली परचेस करूँगी सो so, इतना पसंद आया है, तो आपको मैं इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ एंड द थर्ड वेरिएंट जो मैंने लिया वो छोटे में मैंने ट्राई किया आ, मुझे ये दिखा स्मिटन पे तो ये 150 फिफ्टी एम में मैंने ट्राई किया हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू इसे एक दो बार मैंने यूज़ किया है घर में बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया है, तो मैं रिव्यू दे सकती हूँ आप लोगों को 150 फिफ्टी एम एल प्राइस एड रुपीज टू फिफ्टी सो आप वन फिफ्टी भी लेकर ट्राई कर सकते हो अगर आप पे अच्छे से वर्क करता है देन यू कैन गो फॉर द बिगर वर्जन ठीक है तो ये हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू किन लिए है पता है जिनको ज़्यादा लाइक डैंड्रफ या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आपके बाल वीक है लाइक like, बहुत सारे रीजंस होते हैं पोल्यूशन रीज़न होता है डर्ट जमा हो जाना बहुत लोगों को ऑयली स्कैल्प होती है इसलिए वीक हो जाते हैं उनके बाल या फिर uh, मतलब कंगी करते हैं आपके बाल टूट जाते हैं ऐसे इतने वीक हैं मे बी आप हेयर स्टाइलिंग करते हो हीट ट्रीटमेंट हीटिंग करते हो या कलरिंग किया हुआ है बाय एनी वे अगर आपके बाल डैमेज हुए हैं ना तो उसके लिए ये शैम्पू बनाया गया है इसके इन्ग्रीडियंट्स मैं आपको बता देती हूँ ये वाला जो हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू है ना इसके इन्ग्रीडियंट्स आपको मिल जाएगा सॉय एप्पल एंड लेमन वी कैन अंडर नरिश स्के्प पॉइंट मैं यहां पर मैंशन कर दूं कि शैंपू को आपको स्केल्प पे लगाना होता है एंड अगर आपके जो रूट्स है यहां पर जो आपको लगाना होता है कंडिशनर लगाना होता है बट इनकेस अगर आप कंडिशनर नहीं यूज करते हो तो मेक श्योर की आप जो शैंपू है वो तो आप स्के ही लगाओ फिर उसका जो लेदर आता है थोड़ा बहुत आप यहां पर लगा सकते हो एंड यू कैन रिन्स मेनली हम हमारे स्केल्प को क्लीन करते हैं बायो शैंपू तो so, ये तीन वेरिएंट्स मैंने और मेरे घर वालों ने ट्राई किए हैं तो इसलिए मैंने आपको थर्डली बता दिया सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कौन सा आपको लेना चाहिए परचेसिंग इन सभी की मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे अगर व्यू प्रोडक्ट्स के टैग में अगर मुझे प्रोडक्ट्स मिल जाते तो मैं यहाँ पर टैग भी कर दूँगी सो ये थे अबाउट द शैम्पू ना बात करते हुए जो स्किन केयर मैंने लिया वो रिसेंटली ही मैंने लिया है मैंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है दिस इज द ब्रिलेर्यस स्किन ब्राइटनिंग मॉइस्चराइजर इस बॉक्स में ना सब कुछ बहुत अच्छे से मैंशनड है फ्रेंड्स की किनें बेनिफिट होगा मतलब इसके अंदर जो इन्ग्रीडियंट्स हैं यहाँ पे पूरी इन्ग्रीडियंट लिस्ट दी गई है विच आई रियली अप्रिशिएट द ब्रांड फॉर आई यू हैव गॉट ऑल द बेनिफिट पॉइंट्स रिटर्न कि आप जब इसे यूज़ करोगे तो क्या क्या होगा एंड फ्री फ्रॉम पैराबीन्स एंड एवरीथिंग लाइक यहाँ पे पूरा मैंशनड है लाइक द पैकेजिंग मतलब इनका जो व्हाइट एंड ब्लैक का जो पैकेजिंग uh, है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से स्टैंड आउट करता है एंड नाउ दिस वन आई हैव टेकन इन 50 एम एन इज़ अ व्हाइट कलर मॉइस्चराइजर और इसका जो कॉन्सिस्टेंसी है ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है सो दिस इज हाउ द मॉइस्चराइजर इज मतलब मॉइस्चराइजर टेक्स्चर में बेसिकली एक मॉइस्चराइजर जैसे ही है ट्यूब में है तो मुझे कन्वीनियंट हो जाता है ट्रैवलिंग के अंदर भी लेके जाने के लिए एंड इट जस्ट गेट्स नाइसली एब्सार्ब इन माय स्किन नाउ ये वाला मैं आपको मोस्टली रिकमेंड करूंगी कि नॉर्मल टू ड्राई स्किन पे बहुत ही फेंटेस्टिक रिजल्ट्स देगा शायद ऑयली वालों के लिए थोड़ा सा ग्रीसी हो सकता है हैज अ वेरी माइल्ड ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस मतलब फ्रेग्रेंस मुझे इसकी इतनी कमाल की लगती है ना मेरा मूड ही अपलिफ्ट हो जाता है जब इस फ्रेग्रेंस आती है टू टू ट्राई सी मतलब फ्रूट्स में एंड फ्लावर्स में से जो आती है ना वैसी टाइप की है एंड आई लव इट एंड द रिजल्ट इज ऑल्सो रियली वेरी नाइस बहुत ही स्किन को हाइड्रेटेड रखता है मॉइस्चराइज रखता है आई हैव नॉट सीन द स्न ब्राइटनिंग राइट नाउ बट फिलहाल के लिए तो मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेट तो बहुत ही अच्छे से करता है क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेट सपल स्किन मिलेगी अगर आप इसे यूज़ करते हो तो सो इफ यर लुकिंग आउट फॉर अ गुड मॉस्चराइजर फॉर योर सेल्फ आई शुड से दैट यू कैन ट्राई दिस वन बिकॉज ये पैराबिन फ्री है फॉर्मल डिहाइड फ्री है एंड पेट्रोलियम वगैरह फ्री है आर्टिफिशियल कलर्स भी नहीं है

And I'll see you super soon in my next interesting video. Till then, you take care of yourself and always keep smiling.